हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज वेडनेसडे और दिन के बजे वही 3:15 और आज हम फिर से निकल चुके हैं। इधर आओ आप। ओके okay. हाँ, आज बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक्स। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे फिर बताइए ऑडियंस को। टुडे वी आर गोइंग टू डियर पार्क इंस्टीट्यूट एंड अ फिल्म स्कूल है व्हिच इज लोकेटेड इनसाइड द डियर पार्क इट सीम्स। और वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री भी है मैंने सुना है और कैफे भी है। तो बाकी अभी चल के जाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हाँ जी, एक ही पैराग्लाइडर है आज लैंडिंग में, क्योंकि आज मौसम अच्छा नहीं था ना, बारिश हो रही थी। सुबह भी आज यहाँ पर बारिश हुई है, देखिए अभी मौसम ऐसा ही है। इस बार की होली मेरी भीड़ में होने वाली है मेरी। और आपकी? भोपाल? आई थिंक भोपाल या हाँ। सबकी होली अलग अलग। चलो क्या कर सकते, धूप लग गई हमारे निकलते। कोट लेके चले अपने साथ। सही बात है। अच्छे अच्छे कैफेज हैं इस साइड को, हम आए नहीं थे वैसे। ऊपर वाली साइड को है ना? हाँ, ये देखो दिखा होगा, दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया है ना, कितना प्यारा है। कैफे बनाने के आइडियाज आप यहाँ से ले जा सकते हो भीड़ से। बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं यहाँ पर लोगों ने। भालू कहाँ गया था? आज हम दो नहीं कर रहे हैं एक्सप्लोर, आज हम लोग तीन हैं। भालू आज हमारे साथ है। भाई भालू अटैक हो बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो गई यहाँ पे भालू के और डॉग्स की। तो अब यहाँ पहुँच गए डियर पार्क। ये है डियर पार्क, जो कि बहुत सुंदर है। ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे दिल्ली में गई। बुक शॉप भी है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें। जा सकते हो? चलो। मैं आई नेवर लूज हूँ। बहुत अच्छी लाइन लगी तो कुछ इस तरह की जगह। इस तरह की जगह है, बहुत शांत है, किसी की आवाज नहीं आ रही। कितना सुंदर लग रहा है इस साइड को, उधर देखो बादलों के पास। चलो चिरैया। देखा सिचुएशन के हिसाब से गाना गाती हूँ मैं। अब यही रहेगा मेरे मुंह पर अगले 10 घंटे के लिए। अंगना में चिड़िया की तरफ देखो। Getting high, feeling low, and it's out of your control.
सीन है, शांति। ये जाएंगे हम मॉनेस्ट्री के अंदर, बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए, बहुत सुंदर, शांति देवा, शांति शांति शांति। नीचे तो टच नहीं कर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे बनता है, कैसे चलता है। इतना भी शोर नहीं करना था। चलो ये नहीं हमारे बस का, डियर उधर है वो देखो। और जैसे हम मेन गेट पे, इसका जो मेन गेट है मॉनेस्ट्री का, उस पे भी डियर बने बाहर, तो शायद इसलिए इसका नाम है डियर पार्क। आपने क्या बनाया है टैटू? बर्ड्स, पक्षी, पंछी, कोयल, चिड़िया, कौआ। कितनी छोटी छोटी चीज़ें मतलब ऐसे बनाई हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं कितने साल लगे होंगे इनको बनाने में, है ना। छोटी छोटी चीज़ें, कलर, हाँ कलर कितने सारे, सारे कलर यूज़ किए हैं, और मतलब बहुत अलग। तो ये चीज़ें हमें ये भी सिखाती हैं शायद कि पेशेंस होना और टाइम देना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है ना, तभी चीज़ें सुंदर होती हैं। जल्दी में किया हुआ काम ऐसे ही होता है ख़राब सा, जो आप टाइम लेके काम करते हो वो काम बहुत अच्छा होता है। ये देखो कितने सुंदर बनाए, अरे कितने टाइम लगा होगा इनको बनाने में। वही 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 वो हम कर नहीं सकते, हम मोह माया में फंस चुके हैं अब। ये हाँ तिब्बत में ही होगा ये, और कितना इंडिया जैसा लगने रहा। ये भी है और ये भी है, ये स्टोरी में पूछूंगा मैं। ये देखो आप कितना सुंदर बनाया, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे, ये देखो मैं इनकी यही चीज़ें नोटिस करती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने कितना उससे बनाई हैं। ये देखो माँ सरस्वती पेंटिंग कितनी सुंदर बनाई किसी ने, मोर पंख भी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें देखी। क्यों कितना सुंदर है ये टेबल डिज़ाइन देखना, मेरी बहन कॉपी करके बना देगी इसे। लकड़ी पे करके वो सारा सब कुछ कर लेती है, बहुत ये क्या है घर बनाया किसी ने, मॉडल बनाया चित्र चित्र हो गए चूहे खा गया, चूहे खा तो पसंद नहीं आया, हाँ शायद, पर बड़ी मेहनत से बनाया था किसी ने। तो ये थी जी मॉनेस्ट्री यहाँ की, जो कि हमने कर ली एक्सप्लोर। बाप रे, एक और चीज़ नहीं आया कुछ तो मतलब होगा। हाँ एक और चीज़ है यहाँ पे बड़ी यूनिक, घड़ी देखो बहुत ही सुंदर है। हाँ रुके।
बदल जाए। राइज यहाँ पे बहुत वो है वो है गाइज आप कहाँ जा रहे हो, बैठो यार। गाइज यहाँ पे कोई भी नहीं है। गाइज अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं। गाइज अब हम यहाँ पे फील ले रहे हैं। गाइज अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। गाइज किसने बनाया होगा ये वर्ड गाइज? गाइज ऑफिस में लोग गाना बोलते हैं, है ना? बताइए गाइज कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। डियर पार्क, वो देखो डियर, आप पूरे से डियर गए ऊपर, यहाँ से नहीं दिखे आप। अच्छा अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस प्लेस, बहुत शांति है यहाँ पे। मैं अच्छी जगह लाती हूँ गाइज, जीरो नॉइज, एकदम प्रॉपर साइलेंस। हाँ, इट्स वेरी प्रिटी। इट सीम्स लाइक कि आर्टिस्ट का रेसिडेंट है, रेसिडेंस है ये, है ना? ये सारे रूम में लोग रहते हैं, फिल्म मेकर बनाए, नाइस क्वाइट कॉर्नर ऑफ दी। तो बात है, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो आप यहाँ पे आके बैठ के कर सकते हो। पहले पूछ लेना कि चार्जेस क्या है। इट्स लुक्स लाइक एन एक्सपेंसिव प्लेस। हाँ, इस चीज़ की गारंटी हम नहीं देते क्योंकि हम नहीं बैठ रहे। उसके लिए आपको खुद कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे रहने का क्या है सिस्टम। तो यही था गाइज, अब देखते हैं गाइज आगे कहाँ जाते हैं हम। कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं तो जाना पड़ेगा, टाइम बहुत है हमारे पास आज। कल हम आपको एक बहुत अच्छी जगह दिखाने वाले हैं गाइज, आपने सोचा नहीं होगा। गुन्नू की फेवरेट जगह है वो। हाँ, तो और ऐसी जगह सिर्फ दो ही जगह और हैं। ढूंढो क्या है, सोचो क्या होगी, कौन सी होगी। बूझो तो जाने। We don't know. Because we have seen almost everything जो यहाँ पे है। हाँ, everything else is 10 kilometers away. इतना हम नहीं चल सकते आज या कभी भी। वो कब काफ़ी दूर है तो उसके लिए हमें एक अलग सा ट्रिप बनाना पड़ेगा। विद्या माता है। क्या बोलते हो आप, इस आपके होते हैं विद्या माता ही बोलते हैं हमारे में, विद्या माता। पूरे इंडिया में ही आई थिंक विद्या माता, विद्या माता। हमारे साथ जो भालू आया था बेचारा, वो चला गया वापस। कुत्ते हम पे अब बदला नहीं, अब नहीं, अब तो नहीं। मैं तो भाग लूंगी आपका। देखो देखो, लॉयल इंसान का मतलब यही है कि वो अच्छा भी याद रखता है, बुरा भी याद रखता है। बहुत कुत्ते आ गए, चलो खुद को बचाते हैं, जिंदा रहे तो मिलेंगे इस ब्लॉग में। अगर ब्लॉग नहीं आया तो समझ लेना कुत्तों ने खा लिया। क्योंकि कुत्ते इतने इस गली में, यहाँ से लेके वो नीचे तक कुत्ते कुत्ते हैं। यहाँ के पेट्स और स्ट्रीट डॉग्स घर बनाया हो, बहुत बढ़िया। क्रिएटिव भी बड़े हैं लोग यहाँ पे। अपन तिब्बतन कॉलेज नहीं चलते हैं, ये रास्ते में और तो कुछ है नहीं, ऐसे तो नहीं भौंकेंगे लोग। अब चुपचाप जाएंगे। भालू चला गया वापस। भालू हमें मिल गया था पर फिर से चला गया था। मुझे लग रहा है अब हम जा रहे हैं कहाँ, चौगान टी गार्डन। चौगान टी गार्डन है यहाँ पे, कोई आगे दिखा रहा है। लोअर बीर में है, वहाँ पे कई तरह के चाय के बागान हैं, देखते हैं है कि नहीं। लोकेशन ऐसे ही है, वेरी फिशी है कि नहीं है पता नहीं भाई। चलिए चलते हैं, सुंदर लग रहा है आगे, वो देखो बनाया बड़ा अच्छा है। बारिश लगी पता, तो पानी गिर रहा है, ये तो यहाँ है। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बड़े ब्राइट कलर यूज करते हैं। मॉनेस्ट्री है, क्या है वो पत्थर है ना, उसमें लिखा होगा। Okay. लिखा तो है या वहाँ तक पर पढ़ना भी तो आए। नहीं नहीं, इंग्लिश में ही। ओह नाइस, पर एंट्रेंस उधर से है, मॉनेस्ट्री का ही पार्ट है वो। तो यही तो है कल वाली मॉनेस्ट्री है, वो नहीं है? हाँ वही है ना, सामने वाली, इसी में गए थे ना हम कल। मॉनेस्ट्री है, एक तो यहाँ पता ही नहीं लगता है क्योंकि लैंग्वेज अलग होती है ना इनकी, लिखी हुई तो पता ही नहीं लगता है क्या है क्या नहीं है। है तो मॉनेस्ट्री है, क्या मानना है आपका इस बारे में? दरवाजे के साथ फोटो चाहिए होता है इनको, हर एक दरवाजे के साथ आप जाके खड़े हो जाएंगे। क्यों है आपको ऐसा, बताओ मुझे।
किसी कोई भी दरवाजा होगा वहां पे खड़े हो जाएंगे, फोटो ले लो दरवाजे का। सिमेट्री पसंद है तो दरवाजा सिमेट्रिक होता है। कलर कितना अच्छा है। सुंदर जैकेट, ये जैकेट का ट्रेंड चला है क्या? नहीं, ये जो ये वाले लोग होते हैं ये रेडी पहनते हैं जैकेट भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है, ये देखो स्कूल है क्या ये? चाय का सीजन मेरे लिए तो डेली है। अच्छा ये चाय नहीं पीते थे और अभी डेली मेरे से चाय मांगते हैं। चल चल के हालत खराब हो गया, चाय का मन कर रहा है चाय पत्ती के बाग में आके। है कैफे दिखा रहे हैं, है आगे कैफे, चाय पियेंगे फिर। क्या आपका घर है ये? हाँ हम यहाँ फोटो ले रहे थे, इधर से आ गया पूँ पूँ का। तो क्या हुआ, आपका घर है ये? नीचे आना है, आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ हाँ चाय पीनी है? क्या बोल रहा, बोल तो रहा है कुछ। किचन पाकशाला, फ्लावर देखें कितने सारे लगे हैं, फूल देखो फूल। गेंदा ससुराल गेंदा फूल, सैया छेड़ देवे नजी चुकी ले ससुराल गेंदा फूल। बहुत है गाइस, ये देखिए चाय के बगीचे, जिसने नहीं देखे। ये धरती बागवां तो अच्छी है, काफी अच्छी लोकेशन है, कितना अच्छा देखो है ना, सुंदर यार उधर से। चाय पीनी है अभी इसलिए तुम्हें लगी। चलो आज अंदर चलते हैं, चाय निकाल के लाते हैं। पर इसमें चाय पत्ती लगती कैसे होगी? सीजन होता है तो ये ऊपर 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 आते जाते हैं, काट के रखे हैं ना इसमें तो मुस्क सिर्फ पात्रा दी आयर दी है, पात्रा दी बास आयर दी ना चले। गाली नहीं दे रही मैं, वो इनमें सिर्फ अभी पत्तों की आ रही है फ्रेग्रेंस, सिर्फ हरे पत्तों की। तो ये कुछ इस तरह की लोकेशन है चौगान की, चाय बगीचे की। आगे भी हो गए काफी सारे ना, बस ऐसे ही है ये। हाँ तो ये सारे ऐसे ही हैं, बहुत आगे तक। चलो फिर होटल वीडियो बना रही हूँ मैं यूट्यूब के लिए। चलो अगर आपको चाय पत्ती की कंपनी के साथ ऐड करनी पड़े तो कैसे करोगे? जो चीज़ मैं पीती नहीं बोला उसका ऐड कैसे करो? पर अच्छे हैं ना, अब धूप लगी तो और खिल के आ रहे हैं सामने। बीर के बागानों पे कांगड़ा की चाय तो वैसे ही फेमस है, अभी सीजन नहीं है चाय का तो आप देख सकते हैं इनके टॉप पे। कुछ नहीं है, नहीं है चाय बनने में आई थिंक 6 से 8 महीने लगते हैं। ये है कांगड़ा की चाय के बागान। बहुत खुशी हुई हमें आपको दिखाते हुए चाय के बगान, क्योंकि हम बहुत बड़े चाय लवर हैं। मैं पर आपको भी बना दिया मैंने। मैंने पहले ही बता दी ये स्टोरी जो मेरे साथ दिन में 4 से 6 बार चाय पीती है। किंगडम ऑफ गुंडू चाय। I'm lost again. I don't want... क्योंकि हमने इतने फोटोज ले लिए, शुक्रिया आपका, हम आपको क्या बताएं। एक्चुअली ये एक सोलो ट्रैवलर हैं, ये पूरी दुनिया घूमते हैं और घूमी है इन्होंने। लेकिन फिर मैं इनको पूछ रही थी कि जो हमने पिछले कल फोटो खींची थी वो तो आपने डाली नहीं इंस्टाग्राम पे, तो ये बोले कि अभी जब मैं ट्रिप के लिए निकली थी तो सबसे पहले मैं शिमला गई थी। तो अभी शिमला की चल रही है, उसके बाद ये बहुत सारी जगह पे गए हैं।
मैंने बोला फिर बीड की बारी तो आएगी एक दो महीने बाद, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा फिर मुझे फोटोज देखने के लिए। हाँ तो अच्छा था चौगान, चाय के बगीचे अच्छे हैं, पिक्चर्स वगैरह अच्छी आती हैं, वीडियोस हमने बना लिए अच्छी अच्छी, लोकेशन भी अच्छी है ना। अब क्या करेंगे हम? अब इस रोड पे आगे जाएंगे, लेकिन फाइंड द कैफे फॉर यू टू हैव चाय, बिकॉज चाय इज लव, ट्रू लव। तो चाय पीते हैं फिर, तभी होगा दिन पूरा मेरा, वैसे तो नहीं हो सकता। अब वापस जाके चाय पियोगे आप? ऑफकोर्स। गुन्नू के हाथ की चाय के लिए हम कभी जाएंगे? नहीं, जब घर चले जाओगे। घर? भोपाल? घर में चाय बनती नहीं है हमारे। आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। चलो अब आप जब कॉफी भी नहीं पीते आप? ये क्या चीज है? खड़ी हुई है। अच्छा कैफे देखिए, अंदर तो नहीं जा रहे, यहाँ जा रहे? ये कौन कैफे में बता रही? चलते हैं इस वाले कैफे में, चलते हैं। अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। चलो आगे चलो आप। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज का भी, बहुत मज़ा आया। लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, छोटा सा किचन बनाया है उन्होंने, सीटिंग भी अच्छी है। नाइस, कहीं भी चलेगा। चाय मिलेगा? यहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छी है जगह, अच्छा कैफे है, नेचर के अंदर बिल्कुल। बढ़िया, वर्क फ्रॉम होम। हाँ बहुत बढ़िया, लाइटिंग वगैरह करके बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमने पियेंगे चाय, चाय बहुत अच्छी बनी है, एकदम कड़क चाय। कैसा बना? मशरूम था ना, मशरूम सैंडविच। चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी थी, चाय पी ली हमने, सैंडविच भी खा लिया, बहुत अच्छा था। और अब हम जाएंगे सनसेट देखने, मे बी जब तक हम लैंडिंग पे पहुँचे तब तक सनसेट हो। बहुत मज़ा आया आज, कल भी बहुत मज़ा आया था, कल भी बहुत मज़ा आएगा आएगा। फिर बस ओ सामने हो रहा सनसेट, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, मे बी पहुँच जाएंगे। तू भगा ले पहले बाइक, पूरी वीडियो में बाइक का साउंड से था। सो अभी हम पहुंच गए अपनी लैंडिंग पे, हमारी तो नहीं है वैसे, बट चलो कुछ टाइम के लिए हमारी है। सनसेट हो गया पहुंचते ही। तो रात के बज रहे हैं 8 और हम लोग जब से आए हैं तब से यहाँ पे लाइट नहीं है, पता नहीं आज दिन में भी कट लगा था। बाकी खाना तो हमने खाना तो नहीं, बट सैंडविच खाया था, बाकी कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे अगर लाइट आती है तो। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल का व्लॉग और भी अमेजिंग होने वाला है, उसके लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पे हम लोग कल जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टाटा, टेक केयर ऑल, सब अपना ख्याल रखिएगा।